सो यूनिट टू में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना था सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया. अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड. डिमांड की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि डिमांड होती क्या है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिमांड क्या है तो आप डिमांड को कैसे डिस्क्राइब करते हो? ये थोड़े से मिसअंडरस्टूड वर्ड्स हैं हमारे, डिजायर, वांट और डिमांड. ठीक है, मैं कहूं कि मुझे अंबानी जितना पैसा चाहिए, ठीक है, या जो गाड़ी अंबानी के पास है. मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं और किसी की बात नहीं कर रही. मैं अपनी बात कर रही हूँ फिलहाल कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कह रही हूँ कि जो गाड़ी अंबानी के पास है वही गाड़ी मुझे चाहिए. चाहिए, चाहत आ गई है, डिजायर है, तो क्या ये मेरी डिमांड है? अभी मैं इसको मेरी डिमांड नहीं कह सकती, ठीक है. ये मेरी विलिंगनेस है, मेरी चाहत है कि मुझे चाहिए अंबानी वाली कार, बट ये मेरी डिमांड नहीं है. ठीक है, इसका कि मैं एक पेन खरीदना चाहती हूँ, मेरी डिमांड है कि मुझे एक पेन चाहिए, पार्कर पेन चाहिए. ठीक है, चलो पेन भी थोड़ा सा महंगे वाले की बात कर लेते हैं. मुझे एक पार्कर पेन चाहिए, मैं पार्कर पेन खरीदना चाहती हूँ, तो क्या ये मेरी डिमांड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. क्यों? क्योंकि भाई देखो इतना तो पैसे है मेरे पास कि एबिलिटी रखती हूं मैं कि पार्कर का पेन मैं खरीद भी सकती हूँ, मेरी विलिंगनेस भी है. बट एक तीसरी चीज मिसिंग हो गई अब यहाँ पर, कितने प्राइस का है पार्कर पेन की. अगर मैं स्टार्टिंग बोलूं तो 700 से स्टार्टिंग है उसकी. तो मैंने कहा मुझे एक 700 रुपीस का पार्कर का पेन खरीदना है, तो यहां मेरी विलिंगनेस भी है, यहां मेरी एबिलिटी भी है, और मुझे उसका टाइम भी पता है कि किस टाइम पे खरीदना चाहती हूँ, अभी खरीदना चाहती हूँ, मुझे उसकी प्राइस भी पता है. ठीक है, तो किसी भी चीज को डिमांड कहने के लिए हमें क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए. तीन क्या, मैं कहूंगी चार चीजें चाहिए. क्या क्या चाहिए? एक तो भाई हमें चाहिए विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस और टाइम. ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन डिमांड की, डिमांड क्या कहता है. तो क्या है डिमांड? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. डिमांड क्या है? किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल. यहां पर हमने दो मेन चीज पढ़ी इसके अंदर, विलिंगनेस और एबिलिटी, कि जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद सकता भी है टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस पे वो अवेलेबल होंगे उस टाइम पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, तो यहां से हमने क्या निकाले इसके कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट क्वांटिटी निकाला. भैया आप क्वांटिटी भी बताओगे कि कितना खरीदना चाहते हो, आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो कि आप खरीदना चाहते हो. आपने यहां पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी निकाला कि किस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो, और साथ में पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किस पीरियड ऑफ टाइम पे आप उसे खरीदना चाहते हो. साथ में मैं कहूंगी विलिंगनेस के साथ साथ आप एबिलिटी भी इसके अंदर एड कर देना. ठीक है, कि विलिंगनेस एज वेल एज एबिलिटी दोनों होना चाहिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या आप इसे ये भी कह सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. यानी कि वो कौन से फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिससे हमारी डिमांड बढ़ती या घटती है, जिसमें पहला फैक्टर है हमारे पास फिलहाल प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. पहला फैक्टर क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. गिवन कमोडिटी का मतलब जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं. अगर मैं इस मार्कर की बात कर रही हूं तो यहाँ पे प्राइस भी इसी की है, इसी की प्राइस, इसी की डिमांड की बात कर रहे हैं. तो इसके लिए आप एक यहाँ पे यूज करोगे वर्ड सेरिटस पेरिबस, जिसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट. हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, और सिर्फ प्राइस की वजह से अगर हमारी डिमांड चेंज हो रही है, यानी कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. आप सिंपली अपने से ही सोचो ना इस चीज को, एज अ कंज्यूमर आप किस कमोडिटी को ज्यादा डिमांड करोगे? जिसकी प्राइस कम होगी. और जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है आप डिमांड कम कर देते हो. अगर उसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो आप डिमांड को क्या करते हो? बढ़ा देते हो. ये एक सिंपल हमारा लॉ है,
लॉ ऑफ डिमांड है बेसिकली, ये पहला पॉइंट लॉ ऑफ डिमांड को भी एक्सप्लेन करता है, दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पर आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। दोबारा से समझना एक बार इस पॉइंट को, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी क्या कहता है, जब किसी भी कमोडिटी की खुद की प्राइस उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करे, कैसे अफेक्ट करे, इनवर्सली, कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएंगी और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सेम कमोडिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे पनीर की बात करें तो जैसे कि आप अगर पनीर की एक सर्टेन क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, लाइक आप 250 ग्राम पनीर लेकर आते हो, सपोज अभी आपने देखा कि मार्केट में 60 रुपए किलो पनीर मिल रहा है, तो आप फिलहाल 250 ग्राम खरीद रहे हो, जैसे ही वो प्राइस कम होकर सपोज करो 40 हो गई, तो आपने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा के 500 ग्राम कर दी, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड भी है और ये आपके फर्स्ट पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है कि अदर हमने सब चीजें कांस्टेंट मान ली, अदर चीजें क्या कांस्टेंट मानी, एक एग्जांपल देती हूँ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ उसकी प्राइस को देखकर हमने अपनी क्वांटिटी को बदल लिया है, ठीक है। तो वो ये वाला केस है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब है कि एक के गुड की वजह से दूसरे के गुड के डिमांड पर, एक गुड के प्राइस का दूसरे गुड के डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, बेसिकली वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं गुड्स की, एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हो वो हमारे कौन से गुड कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वॉन्ट। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है। अब अगर मेरे पास, मैं मार्केट में पेन लेने के लिए गई, अगर मैं इस वाले पेन से लिखती हूँ, ठीक, अगर ये पेन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उन्होंने मुझे ये वाला पेन ऑफर किया, तो क्या ये पेन लिखने का काम नहीं करता। पेन का बेसिक वर्क क्या है, राइटिंग पर्पज ना, दोनों पेन लिखने के काम आ रहे हैं, तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मैं इससे काम चला सकती हूँ। सपोज करो ये एक जेल पेन है और ये एक बॉल पेन है, तो अगर मेरे को जेल पेन नहीं मिला तो मैं बॉल पेन से काम चला सकती हूँ, बॉल पेन नहीं मिला तो जेल पेन से काम चला सकती हूँ। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है, यानी कि इस पेन ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो मेरे पास ये एक पेन है, इस पेन में से मैंने रिफिल निकाला और फेंक दिया, नहीं फेंक नहीं रही हूं, ठीक है। क्या अब ये पेन किसी काम का है, पेन का काम क्या है, लिखना ना, क्या ये पेन अब लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। इस पेन को पूरा करने के लिए मुझे इसके अंदर ये रिफिल डालना पड़ेगा, बिना रिफिल के इस पेन की बॉडी का कोई यूज नहीं है। अगर मार्केट में आपको ये बॉडी मिल रही होगी तो आपके किसी काम के लिए, जब तक आप इसके अंदर रिफिल नहीं डालोगे तो राइटिंग पर्पज के लिए ये पेन सिर्फ कब कामयाब होगा भाई, जब ये रिफिल इसके अंदर डल जाएगा। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, पेन एंड इट्स रिफिल, कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल वाली कार है तो। तुम फिर कहोगे कि डीजल वाली हो, सीएनजी हो, हम क्या बात कर रहे हैं भाई, जिस चीज से वो चलती है, अगर वही चीज अवेलेबल होगी तभी तो उसको चला पाओगे। पेट्रोल वाली कार पेट्रोल से ही चलाओगे ना, तो कार एंड पेट्रोल भी यहाँ पे लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स में। जैसे कि जो फेमस एग्जांपल्स हैं वही लिखते हैं, जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है, जेल पेन एंड बॉल पेन, तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसलिए कौन से गुड्स कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कार एंड पेट्रोल, पेन
एंड रिफिल या पेन एंड इंक, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें डिमांड और प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट। सपोज करो कि किसी एक कैंटीन के अंदर टी और कॉफी दोनों बेची जाती है, दोनों की प्राइस हम मानकर चल रहे हैं कि सेम है, दोनों की प्राइस इस टाइम पे सेम है। अब क्या हुआ, कैंटीन वाले ने कॉफी के प्राइस बढ़ा दिए, अभी फिलहाल दोनों सेम प्राइस पे बिक रही थी अब तक, अब कैंटीन वाले ने कॉफी की प्राइस बढ़ा दी, यानी कि किसकी प्राइस बढ़ गई है, कॉफी की प्राइस बढ़ गई है, तो उसका टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉफी के कंज्यूमर्स थे अब वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टी की तरफ, ठीक है। तो यहां पर टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो टी कॉफी के कंपैरिजन में सस्ती हो चुकी है ना भाई, पहले दोनों की प्राइस सेम थी, अब कॉफी की अगर प्राइस बढ़ गई तो सब्स्टिट्यूट होगा कि लोग क्या करेंगे, कॉफी को छोड़ेंगे और टी को कंज्यूम करना शुरू करेंगे। तो यहां पर अगर मैं देख रही हूं तो मुझे डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि कॉफी की प्राइस कम हो गई तो उसका टी की डिमांड पे अब क्या फर्क पड़ेगा, अब भाई लोगों को दिख रहा है कि कॉफी सस्ती हो गई है तो कंज्यूमर्स कहां शिफ्ट करना शुरू करेंगे, कॉफी की तरफ, तो यहाँ पे टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि यहां कैसा रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, समझ आ रही है। ये रिलेशनशिप्स याद रखने आपको, डेफिनेशन याद रखनी है इसके अंदर, उसको तो समझो, रटोगे तो नहीं ध्यान आएगा, हमेशा एग्जाम्पल से उसको समझना। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, अब कॉम्प्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई हैं, तो उसका कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। अगर मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई तो क्या होगा, मार्केट के अंदर कार की डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं कहूं पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। यहां कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है आपको, यहां आपको देखने को मिल रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। ये था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, पहले हमने ये पढ़ा कि रिलेटेड गुड्स के बेसिस पर हम दो तरीके के गुड्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि जो एक दूसरे की कमी को पूरा कर दे, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, जेल पेन, बॉल पेन, टी एंड कॉफी, और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर एक भी नहीं होगा तो दूसरा किसी काम का नहीं है, एक साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जैसे कार, पेट्रोल, पेन, रिफिल, शुगर, टी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो जैसे हमने टी और कॉफी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि अगर मार्केट में कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो उससे टी की डिमांड बढ़ गई, कॉफी की प्राइस कम हुई तो टी की डिमांड भी कम हो गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किसके बीच का ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई तो कार की डिमांड कम हो गई, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई तो कार की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ये किसका रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि एक कंज्यूमर की इनकम किस तरीके से किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। तो इनकम के लिए हमने कमोडिटीज को, हमने अपने गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉर्मल और इन्फीरियर। अब मैं ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दूंगी कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, हमें ना इनकम के अकॉर्डिंग सोचना है कि नॉर्मल गुड्स क्या है और इन्फीरियर गुड्स क्या है। कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, मतलब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घट जाती है। वहीं पे अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इनकम के साथ इनवर्सली रिलेट करते हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ी तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारी इनकम कम हो गई तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि यहां हमने देखा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स और इनकम के बीच में, जबकि इंफीरियर गुड्स में हमें कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिला, इनवर्स। अब इसको एक समझते हैं कि एग्जांपल से कि कैसे।
बासमती राइस है, सपोज करो किसी पर्सन को बासमती, मतलब किसी एक दुकान पे बासमती राइस में मिलते हैं, और वो जो नॉर्मल 50-60 रुपए किलो के जो चावल मिलते हैं वो भी अवेलेबल है। एक पर्सन उसकी इनकम महीने की पहले 25,000 रुपए थी, ठीक है। देखो ये मिलते हैं 90 से 100 रुपए किलो के बीच में, ठीक है। और दूसरा एक और हमारे पास चावल अवेलेबल है उसी दुकान पे 50 से 60 रुपए किलो का, ठीक। किसी एक पर्सन की इनकम महीने की 25,000 रुपए थी, तो जब उसकी 25,000 रुपए इनकम थी ना, तो वो इसको कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। किसको कंज्यूम कर रहा था? इसको कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि अभी वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं थे। उसका प्रमोशन हुआ, अच्छी पोस्ट पे वो चला गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी, तुरंत उसकी इनकम बढ़कर 70,000 रुपए महीना हो गई। अब जब 70,000 रुपए महीना हो गई तो क्या वो इसी को कंज्यूम करेगा? नहीं, अब वो अफोर्ड कर सकता है कि वो 90 से 100 रुपए किलो चावल भी खरीद पाएगा। ये क्यों हुआ? उसकी इनकम बढ़ी। जैसी उसकी इनकम बढ़ी, उसने यहां से अपनी डिमांड को कम किया और उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा दिया, यानी कि इनकम बढ़ते ही उसके लिए जो गुड नॉर्मल था वो इंफीरियर हो गया। बात समझ आई? पहले उसके लिए यही गुड नॉर्मल था, क्योंकि उसकी इनकम में वो 50-60 रुपए वाला चावल ही खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, उस गुड का स्टेटस चेंज हो गया, वो गुड उसके लिए क्या बन गया? इंफीरियर। और जो बासमती राइस थे वो उसके लिए क्या बन गए? नॉर्मल। या भाई मुझे वो खरीदना है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम के अंदर अब वो अफोर्डेबिलिटी आ गई है, अब वो खरीद सकता है। तो उसने क्या किया, यहां से डिमांड को कम किया और वहां से डिमांड को बढ़ा दिया। यानी कि जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स के लिए अपनी डिमांड को कम कर देता है और नॉर्मल गुड्स के लिए अपनी डिमांड को बढ़ा देता है। अब समझ आ गई? पक्का? अब मैं इसी का अगर रिवर्स पूछूं कि पहले किसी पर्सन की इनकम 70,000 रुपए थी और वो बासमती कंज्यूम कर रहा था, अचानक से उसकी इनकम कम होकर 40,000 पे पहुंच गई, तो अब वो क्या करेगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 50 से 60 वाले चावल पे पहुंच जाएगा। यानी कि जैसे ही इनकम कम होती है, अब क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, तो वो यहां से अपनी डिमांड को कम कर देगा। और कहां से अपनी डिमांड को बढ़ाएगा? इंफीरियर गुड्स से, ठीक है। तो ये रीजन है कि क्यों नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है और इंफीरियर गुड्स की इनवर्सली। क्लियर ये वाला पॉइंट भी आपको? ठीक है। अब आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस भी कैसे किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर कोई चीज मेरे टेस्ट में फेवरेबल है, यानी कि किसी चीज के लिए मेरा टेस्ट फेवरेबल है और किसी चीज के लिए अनफेवरेबल है, तो मैं कैसे बिहेव करूंगी? सपोज करो एक तरफ है लेज और एक तरफ है अंकल चिप्स, ठीक। मैं कह रही हूं मुझे लेज वाले चिप्स ज्यादा पसंद है, अंकल चिप्स के लिए मेरा जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, वो सेकेंडरी है। मतलब अगर मुझे कोई ऑप्शन दे तो मैं लेज की तरफ जाऊंगी। तो यहां पर जो लेज है उसके लिए मेरी डिमांड हमेशा क्या रहेगी? हाई। क्यों? क्योंकि उसके लिए मेरा टेस्ट कैसा है? फेवरेबल है, मैं प्रेफर करती हूँ लेज खाना। और वहीं पे अंकल चिप्स के लिए, क्योंकि मेरा टेस्ट, मेरा प्रेफरेंस क्या है? अनफेवरेबल है, तो उसके लिए मेरी डिमांड क्या रहेगी? हमेशा लो। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे भी हम यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर किसी कमोडिटी के लिए हमारा टेस्ट या प्रेफरेंस फेवरेबल है, हम पसंद करते हैं अगर किसी चीज को, तो उसके लिए हमारी डिमांड क्या रहती है? हाई रहती है। लेकिन अगर किसी कमोडिटी के लिए हमारा टेस्ट, हमारी प्रेफरेंस लो है, अनफेवरेबल है, तो इन दैट केस हमारी डिमांड क्या रहती है? लो। ठीक है, तो ये चार मेन फैक्टर्स है, फैक्टर्स और भी हैं, मिसलेनियस फैक्टर्स, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मेन चार हैं। ये मेन चार फैक्टर्स हैं कि कमोडिटी की खुद की प्राइस, और उसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो हमने आज सिर्फ डिमांड का इंट्रोडक्शन लिया है, अभी डिमांड में और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो वो हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में।